डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आज सेशन कोर्ट का फैसला आया, जिसमें मास्टरमाइंड के आरोपी वीरेंद्र तावड़े और बाकी दो को बरी कर दिया गया, लेकिन जो शूटर थे उन दोनों को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब हत्याकांड हुआ था तब सनातन संस्था पर बहुत से आरोप लगे थे, और आज सनातन संस्था का क्या कहना है इस फैसले पर, ये जानने के लिए हम आए हैं। सनातन संस्था के प्रवक्ता हैं अभय वर्ता जी के पास। देखिए, जब हत्याकांड हुआ था और जब जांच हुई थी तो उसमें सनातन संस्था का नाम आया था और कहा गया था कि सनातन संस्था कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे है। आज के फैसले के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहली बात है कि सनातन संस्था के जो साधक थे विक्रम भावे, इनको इस प्रकरण में अरेस्ट किया गया था, और आज माननीय न्यायालय द्वारा जो वर्डिक्ट आया है इससे साफ हुआ है कि विक्रम भावे जी के बारे में कोई भी सबूत नहीं है, इसके लिए उनको निर्दोष छोड़ा गया है। तो ये बात सुस्पष्ट हुई है कि सनातन संस्था के एक साधक को इसमें इम्प्लिकेट किया गया था, और हमें लगता है कि देश में हिंदू दहशतवाद का एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस प्रकार के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को दाभोलकर मर्डर केस में इम्प्लिकेट किया गया था, और आज उनके जो अधिवक्ता है उनको भी बरी किया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े जी को भी बरी किया गया है। तो ये वर्डिक्ट यानी हिंदू दहशतवाद का जो नैरेटिव है तो उसको एक बड़ा धक्का माना जा रहा है, उसको पूरी तरह से निरस्त करने का एक आज का वर्डिक्ट है। विक्रम भावे को आपने सनातन संस्था का साधक माना, तो क्या डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े सनातन संस्था से जुड़े नहीं थे? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े ये हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता और उनके प्रमुख थे। सनातन संस्था की ही एक शाखा है वो? सनातन संस्था की शाखा नहीं है, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुत्व का कार्य करती है, वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, हम कई बार उनकी सराहना भी करते आ रहे हैं। जो शूटर हैं दोनों, शरद कलस्कर और सचिन अंडूरे, क्या वो सनातन के नहीं थे? क्योंकि सनातन के कार्यक्रम में देखे गए हैं, जाते भी थे। शरद कलस्कर और सचिन अंडूरे ये दोनों सनातन संस्था के भले ही डायरेक्ट साधक ना हो या हमारे कार्यकर्ता ना हो, ना हमारे आश्रम में रह रहे हो, ऐसे कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी वो हिंदुत्ववादी है, और हमें मालूम था कि ये पूरा केस ही हिंदू दहशतवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए तैयार किया गया था। तो उनको जो उसके इसमें सजा दी गई है, तो उनके जो एडवोकेट है अधिवक्ता प्रकाश सासिंगीकर है या अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर है, वो हमें लगता है हाईकोर्ट में अवश्य वो जाएंगे, वो भी एक दिन निर्दोष मुक्त होंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी ही गलत है, तो ध्यान में आ रहा है कि एक ना एक दिन उजागर अवश्य होगा। तो इससे अब सनातन संस्था के प्रति क्या मानते हैं, इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? हम न्यायालय के इस निर्णय का तो स्वागत करते हैं, हम मानते इतना ही है कि 2013 में पूरे देश में एक लहर चल रही थी कि देश में हिंदुत्व का आवाज़ बुलंद होगा, हिंदुत्व की लहर आएगी, तो वो वामपंथियों ने बहुत अच्छी तरह से जाना था, हम उसके एक विक्टिम बने, और उन्होंने वो लहर को रोकने के लिए, हिंदुत्ववाद को रोकने के लिए एक जो देश में नक्सल या कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है उसने इस प्रकार के षड्यंत्र का रचन किया कि एक मर्डर हुआ है तो उसके एक एसेट करके उपयोग करके हिंदुत्ववादी संगठनों का कार्यकर्ताओं को इसमें इम्प्लिकेट किया। इनके ये नहीं माना जाए कि जो छूट गया है विक्रम भावे उससे तो आप साधक तौर के तौर पे मान रहे हैं, लेकिन जो दोषी ठहराए गए हैं वो आपके कार्यक्रमों में भी जाते थे, सनातन संस्था कार्यक्रम में भाग भी लेते थे, उनसे आप पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, हमारे कार्यक्रम में वो कभी आते ही नहीं थे, अगर आते रहते और वो कार्यकर्ता हमारे रहते तो हम खुले मन से बोलते, क्योंकि सनातन संस्था किसी भी हाल में कोई भी झूठ नहीं कहेगी, जो था वो था, जो नहीं था वो नहीं था। जो विक्रम भावे को भी हम वो कर सकते थे, विक्रम भावे ये हम पहले से बोल रहे थे कि हमारा साधक है, आज नहीं बोल रहे। तो इसे एक तरह से माना जाए कि सनातन संस्था पे जो लगा कलंक था वो पूरी तरह से मिट गया? जी जी, सनातन संस्था के ऊपर का कलंक निश्चित तौर पे आज उसको जो भी महाराष्ट्र और पूरे देश की जनता दिख रही है, तो संस्था का प्रतिमा यानी किसी मर्डर केस में हमारा हाथ है ये पूरी तरह से दाग मिट गया, और इसके लिए हम मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और भी मामले केस है, जैसे पालघर हथियार केस है, उसमें संतोष राउत है, वो भी तो सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए कि अन्य भी केसेस जो है इसका बारे में हमने बार बार पहले भी कहा है कि ये उस दौर के केस है कि हिंदू दहशतवाद का नैरेटिव देश में सेट करना था। ये मुझे लगता है कि आज के केस का वर्डिक्ट यानी एक पायलट है, ये इसको आप जानेंगे कि इससे ही आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है।
उसमें भी सब लोग निर्दोष करके पाए जाएंगे। आज देश का देश में वो लोगों को विश्वास आया है कि क्योंकि हमने 2013 से आज तक सब्र किया है, ये हम आज नहीं बोल रहे थे, हमने 11 साल से ज़्यादा समय सब्र किया है, बाद में हम कह सकते हैं कि आज हम कह पा रहे कि आप अन्य केसेस के वर्डिक्ट के लिए भी रुकिए। वैसे तो मड़गांव ब्लास्ट में भी हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था, सभी के सभी कार्यकर्ता निर्दोष करके बरी हुए, वो भी हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। धन्यवाद। तो आज सनातन संस्था के लिए एक बड़ा दिन है कि उनका जो साधक है वो मुक्त हुआ है निर्दोष, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कि सनातन के साधक उसमें आरोपी हैं। पुणे से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।